हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में। छोटे बच्चों को अगर बार बार पॉटी की प्रॉब्लम हो रही है, एवरी टाइम कुछ खाने के बाद या फिर एवरी टाइम फीड के बाद बच्चा आपका पॉटी कर देता है, तो क्या ये चिंता का कारण है या फिर इसके लिए घरेलू उपाय हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों से ही रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करें। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और एवरी टाइम फीड करवाने के बाद, ब्रेस्ट मिल्क देने के बाद अगर बच्चा आपका पॉटी कर देता है, तो ये बिल्कुल भी चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि बच्चों का पेट एकदम छोटा सा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता है अब तक, तो इसीलिए बच्चा एवरी टाइम फीड करने के बाद पॉटी कर देता है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो इसके लिए आपको कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट ये आपके लिए एक अच्छा साइन होगा, ये आपको ये बताता है कि आपका मिल्क बच्चे के लिए सफिशियंट है। तो दूध पीने के बाद बच्चों का पेट फुल हो जाता है, पेट छोटा सा है तो वो प्रेशर बनता है और बच्चा थोड़ा सा पॉटी के रास्ते बाहर निकाल देता है, कई बार बच्चा वॉमिट कर देता है, तो ये बिल्कुल चिंता का कारण नहीं है। इनफैक्ट ये अच्छा है कि आपका दूध बच्चे के लिए सफिशियंट है। तो ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो और इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, 6-7 दिन में बच्चा अगर एक बार पॉटी कर रहा है या फिर 1 दिन में 6-7 बार बच्चा अगर पॉटी कर रहा है, तो ये बिल्कुल कॉमन है। बच्चा पॉटी करते समय अगर ज़्यादा रोने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बच्चे को, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आजकल हम इतना कॉन्शियस हो चुके हैं कि ये सारी बातें हमें बहुत परेशान करती है। लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल है, कॉमन है और बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को गाय का दूध दे रहे हो और एवरी टाइम गाय के दूध देने के बाद आपका बच्चा पॉटी कर देता है, तो ज़रूर से ये चिंता का कारण हो सकता है। 1 साल से छोटे बच्चों के लिए डॉक्टर गाय का दूध मना करते हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना ईजी नहीं होता है। तो मे भी हो सकता है कि बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है गाय के दूध की वजह से, इसीलिए बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है। तो गाय का दूध अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो वो स्टॉप कर दीजिए, और गाय के दूध के बजाय आप फॉर्मूला बच्चे को देना स्टार्ट कर देंगे, तो मे भी हो सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अगर आप ऑलरेडी फॉर्मूला दे रहे हो और उसके बाद भी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार बच्चा पॉटी कर रहा है, तो आप एक बार ब्रांड चेंज करके देख सकते हो अपने फॉर्मूला मिल्क की। मे भी हो सकता है कि आप जो दूध दे रहे हो वो बच्चे को सूट नहीं करता, कोई और ब्रांड का बच्चे को सूट कर जाए और इससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो 6 महीने से छोटे बच्चों को बार बार पॉटी होना या फिर 6-7 दिन में एक बार पॉटी होना बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन है। बच्चा बस पॉटी करते समय ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, तो ये आपके लिए कोई चिंता का कारण नहीं है। 6 महीने के बाद भी ये कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम रह जाती है। 6 महीने के बाद बच्चों का पेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका इम्प्रूव हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों में ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चों में 6 महीने के बाद भी ये प्रॉब्लम होती है, तो अगेन हमें वही परेशानी होती है कि बच्चा अगर एवरी टाइम कुछ खाने के बाद वो पॉटी कर देता है, तो उसकी बॉडी को लगेगा क्या, फिर उसकी ग्रोथ में रुकावट हो सकती है, बच्चा हमारा गोलू मोलू कैसे बनेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि बच्चों की डाइट, क्योंकि 6 महीने से बड़े बच्चों को हम खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप अपने बच्चों की डाइट के ऊपर अगर ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो सकती है। बार बार अगर आपका बच्चा प॔टी करता है तो उनकी डाइट में आप कर्ड ऐड कर सकते हैं, दही ऐड कर सकते हैं। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, जो बच्चों के पेट से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉर्ट आउट करने में मदद कर सकता है। दही आप विंटर में भी बच्चों को दे सकते हैं, दही की वजह से बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है, लेकिन विंटर में अगर आप लंच के टाइम में, दोपहर के टाइम में जब सूरज थोड़ा सा निकला हुआ है, उस टाइम में अगर आप अपने बच्चे को दही दे रहे हो, तो दही की वजह से आपके बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होगा। अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम पर आपको दही बच्चे को नहीं देना चाहिए विंटर में, तो आपके बच्चे को कफ हो सकता है। बाकी लंच के टाइम में आप बच्चों की डाइट में दही ऐड कर सकते हैं, कोकोनट वाटर भी आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को दिन भर में दे सकते हैं, इससे भी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इसके अलावा बनाना भी बहुत हेल्पफुल होता है, बनाना भी अगेन थोड़ा सा ठंडा होता है, तो मे बी हम सोचते हैं कि इसकी वजह से बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन अगेन आपको दोपहर के टाइम में बनाना बच्चे को देना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम पर अवॉइड करना चाहिए। तो बनाना भी आपके बच्चों की ये प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। बनाना को आप स्मैश करके
प्योरी जैसा बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चे को चावल का पानी दे सकते हैं, चावल का पानी बनाकर वो दिन भर में थोड़ा थोड़ा बच्चे को पिला सकते हैं। 9 महीने से ऊपर है आपका बच्चा तो थोड़े से चावल भी ज़्यादा ले सकते हैं, बच्चे को खिला सकते हैं, तो इससे भी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। या फिर आप मसूर दाल का सूप बनाकर बच्चे को दे सकते हैं, या फिर मसूर दाल का पानी बनाकर बच्चे को दे सकते हैं, तो इससे भी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर आप बच्चों की डाइट के ऊपर खास ख्याल रखेंगे तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके बच्चे को नहीं होगी। तो अगर आपके बच्चे को बार बार पॉटी हो रही है, दिन भर में एवरी टाइम कुछ खाने के बाद पॉटी हो रही है, तो आप ये सारी चीज़ें बच्चों की डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्राइप वाटर भी बच्चे को दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ग्राइप वाटर देना अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैंने दिया था, मैंने दोनों बच्चों को दिया था और मुझे मेरे बच्चों में कोई भी ग्राइप वाटर की वजह से कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं नज़र आई। एंड इनफैक्ट ग्राइप वाटर बच्चों के लिए अच्छा होता है, बच्चों के पेट से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम होती है, पेट में मरोड़ होती है या फिर गैस बन जाती है या फिर पॉटी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, बार बार पॉटी करता है या फिर एकदम जो टाइट सूखी वाली जो पॉटी करता है, तो ये सारी प्रॉब्लम को ठीक करने में ग्राइप वाटर मदद करता है। तो आप ग्राइप वाटर भी आपके 1 साल के से छोटे बच्चों को या फिर 2 साल से छोटे बच्चों के लिए भी ग्राइप वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बच्चों की वैक्सीनेशन का भी खास ख्याल रखना चाहिए, बच्चों की सारी वैक्सीन आप टाइम पे लगवाएं, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कोई मिस नहीं करनी चाहिए या फिर कुछ बहुत टाइम बाद नहीं लगवानी चाहिए, एकदम टाइम पे आप ज़रूर से लगवाएं। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज़्यादा गैप मत करिए। इसके अलावा है रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन आप बच्चों की बिना भूले ज़रूर से लगवा दी, अगर आपने अब तक नहीं लगवाई तो वो ज़रूर से लगवा लें, क्योंकि रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों की ये जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरह की जो डायरिया वाली प्रॉब्लम हो रही है या फिर बार बार पॉटी कर रहा है या फिर पेट में कोई गड़बड़ है, तो ये सारी परेशानी में रोटा वायरस वैक्सीन बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो वो ज़रूर से लगवा लें। तो अगर आप डाइट का ध्यान रखेंगे, वैक्सीनेशन टाइम पर लगवाएंगे, तो आपके बच्चों की ये प्रॉब्लम बिल्कुल घर पर ठीक हो सकती है। अगर आपका बच्चा पॉटी करते समय बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा रोने वाली प्रॉब्लम उसके साथ नहीं हो रही है या फिर ज़्यादा पतली एकदम पानी जैसी पॉटी नहीं हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप उसकी डाइट में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाएगी, घर पे ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपके बच्चे को पॉटी करते समय प्रॉब्लम हो रही है या फिर एकदम पतली पानी जैसी डायरिया हो रखा है बच्चे को, तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एंड कुछ दिनों में, मतलब 4-5 दिनों में अगर आपके बच्चों की ये प्रॉब्लम डाइट के साथ ठीक नहीं होती, तो भी आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये बातें आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा और आप क्या करते हो आपके बच्चों के लिए, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो, ताकि और पेरेंट्स की भी मदद हो सके। और अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो या फिर कुछ बताना चाहते हो, तो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।